चरण सिंह जी की याद में एक छोटा सा ये गीत आप लोगों की सेवा में। कि देश की करे जो रक्षा उसे जवान कहते हैं, जो मेरे देश का भरे पेट तो उसे मेरा अन्नदाता किसान कहते हैं। बताया कि जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे वो किसी देव से कम नहीं थे, किसी देवता से कम नहीं थे। आज भारत की जनता पुकारते हैं कि आप कहाँ हो, आप फिर से इस देश में अवतार लेकर आ जाइए। किस तरह से इस रागनी के माध्यम से क्या कहते हैं सुनते हैं। हे रे देव कहूँ या दया का सागर, जैसे जैसे उन्होंने काम किए हैं हमारे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में हम उनकी बड़ाई करें। हे रे देव कहूँ या दया का सागर, हे रे कितना नेक विचार, और भारत माँ के लाल चरण सिंह सदा देश पे प्यार रहा, सदा देश पे प्यार रहा। हेरे देव कहूँ या दया के सागर, देव कहूँ या दया के सागर, देख विचार रहा। भारत माँ के लाल चरण सिंह प्यार रहा, सदा देश से प्यार रहा। सूरज के जैसी किरण चमकती, ऐसे चमके नाम सदा। और ये बुद्धिजीवी करे सराहना, ऐसा करते थे काम सदा। सच्चाई के रास्ते चलते रहते थे सरेआम यहाँ। और ये भारत माँ को आज न आए करते चिंतन सुबह शाम, यहाँ करते चिंतन सुबह शाम सदा। जिनकी बंधी लंगोटी थी, जिल्लत
के हलवे ते बेहतर, जिल्लत के हलवे ते बेहतर, उनको सूखी रोटी थी। जो राजनीत में आई मुसीबत उसने तन पे होती थी, उसने तन पे होती थी। जहां जहां भी चले गए, जहां जहां भी चले गए, श्रद्धा ते सत्कार हुआ। भारत माँ के लाल चरण सिंह बड़ा घमंड हो जाता है। बहुत घमंड, किसी से बात करके राजी नहीं होता। लेकिन हमारे चौधरी सरन सिंह जी, कितने साधारण जीवन था उनका, कितने साधारण तरीके से रहते थे, किस तरह से तीसरी कली में कवि ने क्या बताया है? क्या बताते हैं? हेरे जमींदारी जब मेरे जमींदारी जब खत्म हुई तो खुद बरती सकताई थी। और एक काश्तकार को मिले सुविधा चकबंदी करवाई थी। मेरे मेहनत कस की बड़ी मुसीबत काफी दूर हटाई थी। अरे भूख के पेट कोई ना सोवे रे, ये आवाज उठाई थी रे, ये आवाज उठाई थी। नहीं कभी भी करी बनावट, नहीं कभी भी करी बनावट, साधारण व्यवहार रहा। भारत माँ के लाल चरण सिंह चलती है। लेकिन उनके समय में अगर कोई रिश्वत भी लेता था ना, तो उसको वो नौकरी से ही निकाल देते थे, ऐसा उनका समय था। किस तरह से क्या बताया अंतिम लाइनों में? आज का नेता बैठ करके कुर्सी पर यह तो बड़े से अधिकारी की तरफ सोचता है कि इस अधिकारी से मुझे काम है, ये तेरा काम भी करेगा और तुझे भर भर के थैला दाम भी देगा। लेकिन वह जमीन से जुड़ा भारत माँ का एक लैसा लाल पैदा हुआ, ऐसा अवतार हुआ जो कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके मेरे अन्नदाता किसान के बारे में सोचता था, तो वो देश का पहला प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुआ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार। चौथे अंतिम कड़ी में सजनों, जहां उन्हें लगता था कि मेरा किसान इस रास्ते में जाएगा तो दुखी हो जाएगा, उस रास्ते को वो पहले ही साफ करवा दिया करते थे। चाहे उस रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां उन्हें आती थी, चाहे उन्हें 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती थी, अपना सोना त्याग देते थे, अपना खाना त्याग देते थे, लेकिन किसान के मार्ग में आने वाले रोड़ा को वो साफ करना जानते थे। आज स्वार्थ के संसार में उसी की पूछ है जो कुछ करके गया, जो कुछ कर रहा है। ना तो कोई किसी को नहीं पूछता। अगर बाप के पास 10-20 किला है तो बेटा रोटी बढ़िया तरीका से देंगे, और कुछ भी नहीं है तो कह देंगे तो न कराई क्या जिंदगी। ये सच्चाई है। आइए
अगर उन्होंने देश के लिए, मेरे किसान के लिए कुछ कहा है, किया है, तो आज मेरा देश उनका गुण गा रहा है। आज देश पुकार कर रहा है कि चौधरी चरण सिंह आओ, चौधरी चरण सिंह आओ, जन्म लो, हमें बचाओ। चौथी आखिरी कली में कभी नहीं, क्या बताओ। हेरे उनके समय में, हेरे उनके समय में कर्मचारी भी, उनके समय में कर्मचारी भी रिश्वत लेते डरते थे। उनके समय में कर्मचारी भी रिश्वत लेते डरते थे, और आज आज तो खुल्लम खुल्ला रिश्वत ले रहे। तुमने कितनी दी? मैंने तो नहीं दिया। सही बताइयो, अभी तक सही बताइयो, कहां मुझे कोई काम ही नहीं पड़ा नेताओं से। अच्छा, चलो भगवान की कृपा रहे, पढ़े भी ना, कह दे दोबारा। फिर उनके समय में कर्मचारी भी रिश्वत लेते डरते थे। वो तुरंत दावना, वो तुरंत दवाना, जाने थे जो गुंडे लोग उभरते थे। मेरे गांव गांव और शहर शहर में स्वागत के फूल बिखरते थे। और दामन पे डक, दामन पे कोई दाग न आवे, कदम सोच के धरते थे, कदम सोच के धरते थे।